कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा या फिर एजुकेशन इन पर क्या इम्पैक्ट डाला इनमें क्या कोरिलेशन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ट्रेड इकोनॉमी मैट एंड अडॉप्टेड अ न्यू हेमिस्फीयर वेयर एलपीजी वाज इंट्रोड्यूस्ड जहां पर एलपीजी एक न्यू मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया एलपीजी इज द एक्रोनिम फॉर लिबरलाइजेशन

ऑब्स्टेकल्स यानी कि कोई भी जो बाधाएं आती है ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो ना आए और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो स्मूथली रन कर पाए सो so, इसके लिए क्या किया गया दीज रिफॉर्म्स वर नोन एज यानी जो भी सुधार किए गए ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के लिए उसको जाना जाता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम से द गवर्नमेंट अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की

एजुकेशन को कैसे इंपैक्ट किया क्या इनके एडवांटेजेस रहे क्या इनके डिसएडवांटेजेस सो फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एल एलपीजी का फर्स्ट टर्म है पीजी जिसको हिंदी में उदारीकरण कहा जाता है सो so, पहले हम डिस्कस करेंगे लिबराइजेशन या उदारीकरण का मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड ओपननेस यानी कि जहां पर हम स्वतंत्रता और खुलेपन की भावना को दर्शाते हैं उसे उदारीकरण कहा जाता है

सब्सिडीज एंड अदर रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द कंट्रीज यहाँ पर आप से समझिए जैसे कि पहले के टाइम की अगर हम बात करें 1991 से पहले जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था एलपीजी जो स्ट्रक्चर है उससे पहले क्या होता था जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे कंट्रीज में उनमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगे होते थे काफी तरह के टैक्सेस थे एक टैक्स नहीं हुआ करता था काफी ज्यादा टैक्सेस थे तो लिबराइजेशन कहता है कि हम इतने टैक्सेस नहीं मतलब एक दूसरे से ले दे सकते तो यहाँ पर टैक्स फ्री हम जो है ट्रेड करेंगे टैक्सेस काफी हद तक कम कर दिए गए और जिससे क्या हुआ एक फ्लेक्सीबिलिटी के आई तो इसी को इसी प्रोसेस को लिबराइजेशन या उदारीकरण कहा जाता है नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेजेस ऑफ लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण के क्या लाभ हैं, क्या बेनिफिट्स हुए लिबराइजेशन के फर्स्ट पॉइंट है गुड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स एजुकेशन इज अ प्रीरिक्विस्टिक फॉर इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ एनी कंट्री यानी यहाँ पर लिबराइजेशन को एक तरह से स्पेसिफाइड किया गया कि किसी भी कंट्री में अगर हम लिबराइजेशन की बात करें तो वहां पर जो एजुकेशन है किसी भी फील्ड के लिए किसी भी अगर हम मेजर डोमेन की बात करें तो एजुकेशन उसके लिए प्री मानी जाएगी यानी पहली शर्त होगी एजुकेशन और जो कि इकोनॉमिक सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्विसेज कि होती है की बात करें हम या फिर एजुकेशन सिस्टम को हम यहाँ पर मेन लेकर चल रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट की जरूरत होती है जिसके लिए लिबरलाइजेशन प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फिर आता है एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द इंक्रीज देयर कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ

यानी कि अगर हम आईसीटी सेक्टर की बात करें इंडिया की आईसीटी या आईटी सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर आप देखते हो न्यू न्यू इन्वेंशन हो रही है तो जो ये इनोवेशन होती है इन्वेंशन होती है तो इसके पीछे लिबराइजेशन का एक बड़ा रोल होता है स्लाइड में भी हम एडवांटेजेस ही डिस्कस करेंगे लिबराइजेशन की जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की वो भी एडवांटेजेस थी बट वो आप बोल सकते हो थोड़ा डेप्थ में था डिटेल में था और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसको मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगे सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इंक्रीज प्रोडक्शन लिबराइजेशन का बेनिफिट ये होता है जो प्रोडक्शन है उसमें तेजी आती है इंक्रीमेंट होता है नेक्स्ट है बेनिफिट टू कंज्यूमर्स कंज्यूमर को अच्छे रेट पर मिल जाता है जब आप लिबरलाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट करते हो बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट का जो है एक रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता तो इससे कंज्यूमर को हेल्प होती है फिर आता है मोर फॉरेन एक्सचेंज हम फॉरेन से भी एक्सचेंज करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें टैक्सेस फ्री जब ट्रेड होगा तो इसको बेनिफिट होगा इसके लिए फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम फॉरेन एक्सचेंज करेंगे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा तो इससे ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही है फिर है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है कंट्रोल ऑन प्राइजेस प्राइजेस पर कंट्रोल होगा बिकॉज आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कंपटीशन में जब उतरते हैं तो वो अपने प्राइस को कंट्रोल करते हैं या फिर कम करते हैं इससे प्राइजेस पर भी कंट्रोल होता है फिर आता है प्रोवाइड गुड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें फैक्ट्री की बात करें या फिर हम किसी भी एजुकेशनल स्कूल या इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं तो वहां पर जो लिबरलाइजेशन है उसकी हेल्प से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी अच्छी ग्रोथ होती है और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फिर आता है इंक्रीज एफडीआई एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ लिबराइज नेक्स्ट स्लाइड है ड्रॉबैक्स लिमिटेशन डिस एक ही बात है तो लिबराइजेशन के क्या ड्रॉबैक्स क्या कमियां होंगी सो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन अनुप्लॉयमेंट बिकॉज लिबराइजेशन के थ्रू काफी ज्यादा हम फैक्ट्री या फिर मशीनीकरण को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता लॉस टू डोमेस्टिक यूनिट डोमेस्टिक यूनिट का लॉस होता है थर्ड है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन नेशन बिकॉज हम कई बार क्या होता है इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट ही ज्यादा कर लेते हैं तो इससे जो फॉरेन नेशन है उनको बेनिफिट मिलता है और हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं जो फॉरेन नेशंस होते हैं वहां के प्रोडक्ट्स पर फिर है अनबैलेंसड डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर कई बार आप देखते हो कि सेक्टर्स में अनबैलेंस्ड हो जाता है जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर पर फोकस करता है सेकेंडरी जो सेक्टर है वो हम मोस्टली देखें तो ट्रेड पर फोकस करता है लेकिन कई बार इन सेक्टर्स में अनबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से लिबराइजेशन की वजह से बिकॉज की प्रोसेस में गवर्नमेंट जो है ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती अपना स्टेप बैक ले लेती है इसीलिए यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनको छूट मिल जाती है और इससे अनबैलेंस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हम जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट

जब आप गवर्नमेंट की मोनोप्लीस यानी जो गवर्नमेंट का अधिकार होता है उसको कंपटीशन की वजह से या फिर मार्केट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जब गवर्नमेंट के अधिकार को आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथों देते हैं तो उसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन क्या बेनिफिट्स होते हैं इनके फर्स्ट है रिड्यूसिंग बर्डन जो गवर्नमेंट है उसका बर्डन कम होता है बिकॉज गवर्नमेंट है जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को सौंप देती है तो इससे जो गवर्नमेंट है उसका बर्डन कम होता है फिर है प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा बेटर वे से दे पाते हैं नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ बेटर फैसिलिटी प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट ये भी होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके पास रिसोर्सेज अच्छे होते हैं यहाँ पर एजुकेशन का एग्जांपल लिया है ओनर ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू वेटीट्यूशन है प्राइवेटाइजेशन का एक बेनिफिट ये भी है अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं आप वहां पर देखते हो उनके पास अच्छे रिसोर्सिस होंगे इक्विपमेंट होंगे जिसकी वजह से टाइम की डिमांड को वो जल्दी फुलफिल कर पाते हैं बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो टाइम पर उन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाती लेकिन एज कम्पेयर अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो ज्यादा जल्दी अडेप्टिबिलिटी को अपना लेते हैं फिर आता है इजी एक्सेस टू एजुकेशन शिक्षा की पहुंच आसान हो जाती है इजी एक्सेस टू एजुकेशन हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की वजह से एजुकेशन की पहुंच को इजी बनाया जाता है अगेन ड्यू टू डेवलपमेंट इन डिफरेंट कम्युनिकेशन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी डी वेर एंड एनी टाइम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ के टीचर्स आप देखते हो बिकॉज प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर टाइम बोन्ड इतना नहीं होता वहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां पर अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ईजिली प्रोवाइड करा पाते हैं तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक बेनिफिट है फिर है यूटिलाईजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे उनके पास रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से उनका वो यूज कर पाते ड्रॉबैक्स क्या होंगे प्राइवेटाइजेशन के फर्स्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ कई बार जब हम देखते हैं जो गवर्नमेंट अपनी जो मोनोपोलीस होती है उसको खत्म करके यानी अपना एकाधिकार खत्म करके जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सौंपती हैं तो जिसके कारण क्या होता है कई बार जो जिम्मेदारियां होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के थ्रू फिर आता है इशनल इंक्रीज यानी कि कई बार इन लॉजिकल हम इंक्रीमेंट देखते हैं इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल जाते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है फिर आता है कॉम्प्रोमाइजेशन इन क्वालिटी जो कॉम्प्रोमाइज है क्वालिटी में वो इतना अच्छा नहीं मिल पाती है जो क्वालिटी एजुकेशन की होनी चाहिए या किसी भी हम इंडस्ट्री की बात करें तो कई बार प्राइवेटाइजेशन में ढील दी जाती है जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्वालिटी में फिर आता है मिसयूज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कई बार जो पावर्स दी जाती हैं स्टेट्स को उसका दुरुपयोग भी किया जाता है तो ये थे प्राइवेटाइजेशन के मिसयूज या फिर की की भूमंडलीकरण भी कहा जाता है दी टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोसाइटी थ्रोक्रॉस कंट्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आइडिया टेक्नोलॉजी गुड सर्विस कैपिटल फाइनेंस एंड पीपल यानी कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं वहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड है वो मिलकर अपनी इकोनॉमीज को टेक्नोलॉजी को आइडिया को सर्विसेज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इसी प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है प्रोस बॉर्डर इंटीग्रेशन इज़ मल्टी डायमेंशनल इंक्लूडिंग कल्चर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डाइमेंशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर हम अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन जो है इससे इफेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन होता है एक दूसरी कंट्रीज के साथ हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं तो ये था ग्लोबलाइजेशन देखोगे जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक सिंगल प्रोसेस नहीं है ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम एजुकेशन को लेकर चलते हैं साइंटिफिक स्टडीज को लेकर चलते हैं टेक्नोलॉजी इकोनॉमिकल तो सभी एस्पेक्ट हैं जो ग्लोबलाइजेशन के चारों ओर घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं नेक्स्ट है है फीचर्स एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन सो फर्स्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जब हम हम ग्लोबलाइजेशन की की बात करते हैं तो हम एक दूसरी कंट्रीज टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं एक दूसरी कंट्रीज से हम सीखते हैं इवन हम पूरे वर्ल्ड से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है इससे नेक्स्ट है नॉलेज ट्रांसमिशन नॉलेज का ट्रांसमिशन होता है नॉलेज शेयर होती है बॉर्डरलेस वर्ल्ड यानी कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है जितने भी उनमें बॉर्डर्स आप देखते हो तो यहाँ पर जो है ग्लोबलाइजेशन में सारी कंट्रीज एक हो जाती है और हम कह सकते हैं बॉर्डरलेस एक वर्ल्ड क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिर आता है सोशल चेंज हम एक दूसरे से सोशल चेंजेस भी करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हम कल्चर को एक्सचेंज करते हैं शेयर करते हैं एक दूसरे के कल्चर को तो ग्लोबलाइजेशन से मल्टी कल्चरलिज्म को भी बढ़ावा मिलता है फिर है लिबराइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर ही चुके हैं फिर आता है डिमांड ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड परसन बिकॉज जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी एंड एक अच्छे एजुकेशन सिटीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो इससे डिमांड बढ़ती है स्किल की एंड एजुकेटेड ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन या फिर हम बात करें इम्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दू ग्लोबलाइजेशन में हमारा लिबराइजेशन प्राइवेटाइजेशन भी इंक्लूड है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही लिबराइजेशन को ज्यादा बढ़ावा मिलता है प्राइवेटाइजेशन की बात भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही की जाती है तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन एजुकेशन में या फिर दोनों ने एक दूसरे को कैसे प्रभावित किया है इम्पैक्ट क्या पड़ा है सो फर्स्ट है एनरोलमेंट एक्सपेंशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बच्चों का स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट रोल है क्वालिटी एजुकेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिकॉज हमने क्वालिटी एजुकेशन की बात कहाँ की थी क्वालिटी एजुकेशन की बात की थी हमने प्राइवेटाइजेशन में जहाँ पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं इवन गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बोल सकते हैं एक रीज़न ग्लोबलाइजेशन भी है फिर है डाइवर डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से ही ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज यहाँ पर जो सारी कंट्रीज है एक दूसरे से शेयर करती है अपने आइडियाज टेक्नोलॉजी शेयर करती है तो ये उसी का रिजल्ट है फिर आता है कंपटीशन ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन भी काफी बढ़ा दिया है बिकॉज जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में ही कंपटीशन लगा रहता है कि किस कंट्री की टेक्नोलॉजी अच्छी है एजुकेशन कहाँ की अच्छी है तो नए नए आइडियाज इनोवेट होते रहते हैं तो कॉम्पिटिशन को भी ग्लोबलाइजेशन ने काफी हद तक बढ़ाया है प्राइवेटाइजेशन जिसकी बात हम कर चुके हैं डिटेल में फिर आता है सेवन्थ पॉइंट इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन फॉरन यूनिवर्सिटी जो इंडियन स्टूडेंट है फॉरेन में जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ने लिबरालाइजेशन को बढ़ावा दिया और लिबराइजेशन से क्या होता है जो अदर कंट्रीज में जाने के ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है उनको कम कर दिया गया जिससे जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो जाकर इजिली फॉरन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं एजुकेशन गेन कर पाते हैं लास्ट आता है वोकेशनल एजुकेशन इससे वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं या फिर डिमेरिट्स क्या है या फिर आप बोल सकते हो इसकी लिमिटेशंस या सीमाएं क्या हैं? फर्स्ट वाइडर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जो अमीर और गरीब है उसकी खाई और भी ज्यादा गहरी होती है फिर आता है लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होगा ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन बर्थ टू एमएनसीज एंड एंड एमएनसीज कैप्चर द पुअर कंट्रीज एंड ट्रांसफर देयर नेचुरल रिसोर्सेज टू द एज रिच नेशंस यानी कि ग्लोबलाइजेशन की, की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो खुलती हैं और ये कंपनीज क्या करती हैं जो पुअर कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल होता है जो नेचुरल रिसोर्सिस होता है वहां से लेकर जो रिच स्टेशन होते हैं वहां पर प्रोवाइड करते हैं यहाँ से वो सस्ते दामों में उठाते हैं और जो रिच नेशन होते हैं वहां जाकर हाई जो अमाउंट होता है वहां पर बेच देते हैं तो इससे क्या होगा जो एक कंट्री है उसके नेचुरल रिसोर्सिस का लॉस होता है फिर आता है मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो ग्लोबलाइजेशन है वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सिस है जो प्राकृतिक जो हमारा एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट उसको काफी ज्यादा लॉस होता है ज्यादातर ये मटीरियलिस्टिक अप्रोच पर ही डिपेंड होता है ग्लोबलाइज नेक्स्ट आता है बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है बिकॉज जो ग्लोबलाइजेशन है वो बात करता है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करने की जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर की जो लैंड होती है उसको कट कर दिया जाता है वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या फिर घर बनाए जाते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा लॉस होता है फिर आता है डिमांड फॉर लेबर एंड इन टर्न गिव टाइस टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग लेबर टेकन अप फ्रॉम पुअर कंट्रीज एंड इट मेड टू वेजेस एंड अनहेल्दी कंडीशंस इन अदर नेशंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब है कि एक कंट्रीज के जितने भी लोग हैं जैसे जो लेबर्स होते हैं उनको यहाँ से सस्ते दामों में ले जाया जाता है और अपने यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में उनको काम करवाया जाता है अनहेल्दी कंडीशन में जिससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ती है फिर आता है कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो जो कम पावरफुल कंट्रीज है उनका कमर्शियल रूप से यानी व्यवसायिक रूप से भी और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से भी शोषण करते हैं अपने फैसले उन पर लादने की कोशिश की जाती है तो ये थे डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हम बोले ग्लोबलाइजेशन के सो आई होप आपको एलपीजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये टर्म्स भी क्लियर हुई होगी वीडियो अच्छी लगी लग हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग